होश में अनुज द्वारा बोले गए झूठ, बेहोशी में सच बनकर आए जुबान पर, देखती रह गई अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुज की हालत ऐसी खराब है कि अब उसको पता नहीं है कि वो बोल क्या रहा है। उसको पता नहीं है कि वो इस हालत में अपनी अनु को कितना दर्द दे रहा है, कितना दुख दे रहा है। आज ये हालत देख के यही दिल से निकलता है कि ना 26 साल बाद अनुज इंडिया आया होता, ना अनुपमा से मिला होता, तो आज अनुज भी सुखी होता तो अनुपमा भी सुखी होती। लड़ रही होती, जो भी कर रही होती, मगर कम से कम अनुज के साथ नहीं होती, क्योंकि जो अनुज दर्द देता है वो अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज का अनुपमा की जिंदगी में आना एक संजोग ही था। हम कितना भी कह ले कि नहीं आते नहीं आते नहीं आते, मगर आना था तो आना था, जिंदगी आगे बढ़नी थी तो बढ़नी थी। मगर यहां पर जिंदगी जैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई गई, उसमें अनुज के झूठे प्रोमिसेस सामने आते हैं। ऐसे प्रोमिसेस जो शायद अनुज को पता भी नहीं था कि मैं आगे इन्हीं प्रोमिसेस पे, इन्हीं बातों पे, इन्हीं सच्चाइयों पे किस तरह से रिएक्ट करूंगा। आगे क्या होने वाला इंसान को पता नहीं होता, मगर इंसान को अपना तो पता होता है कि अगर मैं ये बात कहता हूं शादी से पहले तो मैं आगे निभाऊंगा भी, और अगर ये बात मेरे ऊपर बोझ बनेगी तो मुझे अभी से इस बात का एहसास होगा। पहली बार जब अनुज और अनुपमा मंदिर में मिले थे, जब अनुपमा ने हां की तरफ बढ़ना शुरू किया था कि शादी कर लेंगे, तब भी कुछ ऐसे ही बातें हुई थी कि मैं तुम्हारे पूरे बैगेज के साथ तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, तुम्हारा बैगेज मेरा बैगेज, ये सब बातें हुई थी कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है अनुपमा। अनुपमा इंप्रेस हुई, अनुपमा को समर ने इंप्रेस करने के लिए जो भी उसने आगे सीन बनाए, जो भी कुछ था, हम सब ने देखा है। वो वादे कहां गए? वो वादे 3 साल बाद आध्या के नफरत वाले डायलॉग के बाद हवा हो गए। वो सारा बैगेज अनुज के सामने आ गया, बहुत कुछ बोल दिया अनुज ने। चलो यहां से बात खत्म करते हैं, अनुपमा अलग होगी, अनुज अलग हो गया अपनी छोटी के साथ, जो पहले भी हो चुका है। तो ये सारी चीजें चली तो वो वादे हवा हो गए। अनुपमा ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब किसी के साथ नहीं रहूंगी, अकेली रहूंगी। अमेरिका चली गई, अमेरिका में फिर से संजोग बना, फिर से लोग मिल गए, फिर से अनुज के अंदर का प्यार जो है एक पूरे आग की तरह बाहर आ गया अनुपमा के लिए कि मैं तो अनुपमा के बिना रह ही नहीं सकता। अपनी बेटी से झूठ बोल बोल के अनुपमा से मिलता रहा, अनुपमा के मना करने के बावजूद अनुपमा से मिलता रहा। जिस इंसान को अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, वो खुद कहता है कि मुझे कंट्रोल नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो जाता है, तो भाई ये ऐसा इंसान रिलायबल हो ही नहीं सकता। मुझे पता है बहुत लोगों को अनुज बहुत पसंद है, मुझे पता है हर कोई अनुज को अपना ड्रीम मैन समझता है, बट ड्रीम मैन समझने में और रियलिटी में देखने में बहुत फर्क होता है। यहां पे अगर कोई समझता है तो अनुज को अनुपमा ही अच्छी तरह से समझती है। पहली बार जो अनुज अनुपमा को छोड़ के गया था छोटी की वजह से, तभी से अनुपमा को ये डिफरेंस पता चल गया था कि अनुज के लिए छोटी ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसने जब अनुज के साथ छोटी को छोड़ा तो उसको पता था कि ये बाप बेटी एक दूसरे के लिए सफिशिएंट है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी वो गिल्ट में रही कि मां होने के बावजूद मैं छोड़ के गई, अपने ऊपर जो भी बीता उसने सोचा भी नहीं, ये उसकी अपनी गलती है, टेकन फॉर ग्रांटेड बने रहना। बट यहां पर अनुज क्या कर रहा था? अनुज फिर से, जब अनुपमा अमेरिका के बाद इंडिया डिम्पी की शादी में मिलती है, अनुज फिर से अनुपमा से मंदिर में वादे करता दिखाई देता है कि तुम एक बार हां करो आध्या को मैं समझा लूंगा। इस डायलॉग का मतलब समझते हो आप? वो मतलब आज की डेट में आपको समझ में आ गया होगा। इस बात का मतलब अनुपमा समझती थी कि अनुज आध्या को समझा नहीं पाएगा,
और अगर मैं इसको हां करती हूं अनुज को, मैं इसके साथ चली जाती हूं, आध्या फिर से यही करेगी जो उसने आज किया है, घर छोड़ के जाना, आत्महत्या की धमकी, ये सब करेगी। और अनुज फिर मुझे बोल देगा कि जाओ भाई बाहर का रास्ता लो, या मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा कि मैं जाती हूं। तो कितनी बार अनुपमा अनुज से, आध्या से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद, उसके साथ जाने के बाद फिर से घर से बाहर निकलेगी। तब मैंने ही कहा था कि अनुपमा का गलत फैसला, अनुपमा को यह फैसला नहीं लेना चाहिए था, अनुज के साथ चले जाना चाहिए था, मगर कैसे जाती, क्योंकि अनुपमा को पता है कि अनुज के लिए आध्या के अलावा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं सेकंड पता नहीं कौन से नंबर पे हूं। आज वो यही बात कह रहा है, बेहोशी में उसके मुंह से सच निकल रहा है, बेटा आप एक बार आ जाओ, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही बात तो अनुपमा कह रही थी, जो दूसरा मंदिर वाला सीन था, जो लास्ट सीन हुआ है कि मेरा मरा मुंह देखोगे अगर आप वापिस आए, आप आध्या के पास चले जाओ, आप श्रुति के पास चले जाओ, आध्या को श्रुति चाहिए, उसको श्रुति दे दो, क्योंकि 5 साल में यही तो अनुज ने किया, आध्या को श्रुति चाहिए थी, उसने एंगेजमेंट कर ली, तो यही तो अनुपमा ने कहा था मंदिर में। तो अनुपमा अनुज को जानती है कि आध्या ही अनुज की जान है, आध्या के लिए ही अनुज पागल है, और आध्या मिल जाएगी तो अनुज कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक हूं जो मां की भूमिका निभाने के लिए एक स्टैचू उनको चाहिए, वो खड़ा चाहिए जो इनके हिसाब से चले, जैसे शाह हाउस वाले करते हैं। तो शाह हाउस में और अनुज में कोई फर्क नहीं दिख रहा। तब शाह हाउस के लिए अनुज कहता था कि ड्रॉ करो लाइन, फिर शाह हाउस बन गया अनुज, और ये क्या नाम है इसका, यशदीप ने कहा कि ड्रॉ करो लाइन, स्पाइस एंड चटनी उजड़ गया। मगर अनुपमा तो अनुपमा ही रही हर जगह पे। तो ये आज बेहोशी में जो सच निकला है, इसकी वजह से अनुपमा, मुझे नहीं लगता कि आगे आध्या मिलने के बाद भी अनुज के पास जाएगी, क्योंकि ये जो अपने बातों पे नहीं रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ जीवन काटा भी नहीं जा सकता। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.